Good morning students, you are welcome in the third science class. Today we will discuss about the remaining question answers of chapter 2, that is parts of plant. तो बच्चों आज हम chapter 2 parts of plant के बचे हुए question answers को समझेंगे और आप इनको अपनी fair notebook में लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है? चलिए समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमने एक्सप्लेन कर दिया था. अब नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज लीफ कॉल्ड द किचन ऑफ ए प्लांट? व्हाई मतलब क्यों, लीफ कॉल्ड, लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ ए प्लांट, पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? तो लीफ को हम पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? तो इससे पहले हमें किचन के बारे में पता ही है. किचन वो रूम होता है घर के अंदर जहाँ पर खाना बनता है. तो लीफ जो है वो भी पौधे का वो हिस्सा है जहाँ पर खाना बनता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पौधे का रसोई घर है. तो देखिए किस तरह से हमने इसका आंसर लिखा है. लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ ए प्लांट. यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन से उठाया हुआ है. इसके बाद बिकॉज हमने लगाया है क्योंकि क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए बिकॉज यहाँ पर लगेगा. इट प्रिपेयर फूड, यहाँ पर इट जो है वो इस लीफ के लिए इस्तेमाल किया गया है. प्रिपेयर फूड खाना बनाती है. फॉर द के लिए, होल प्लांट पूरे पौधे, तो पत्तियाँ किचन कहलाती हैं. क्योंकि बिकॉज आ गया है, क्योंकि ये पौधे के लिए खाना बनाती है या पूरे पौधे के लिए खाना बनाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं किचन ऑफ ए प्लांट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें यूजेस के बारे में बात की हुई है. यूजेस ऑफ ए रूट या यूजेस ऑफ द रूट. व्हाट आर द यूजेस ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट? यूजेस आपने बताने हैं कौन कौन से यूज हैं रूट के, जड़ों के क्या क्या उपयोग हैं. तो आप यहाँ रूट लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन से आप इनके लिखेंगे यूजेस. फर्स्ट है इट फिक्सेस, यहाँ पर रूट का तो नाम लिया हुआ है. क्या करती है पहला काम, फिक्स द प्लांट इन द सोइल. फिक्सेस हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर रूट इस्तेमाल किया है. अगर रूट्स होता तो हम फिक्स वर्ड यूज़ करते, ये वर्ब जो है वो विदाउट एस यूज़ करते हैं, बिना एस लगाए ही यूज़ कर लेते. तो ये पहला काम इसका हो गया कि प्लांट को सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर फिक्स करती है, मतलब उसको मजबूत करती है, हिलने डुलने नहीं देती है. नेक्स्ट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल. एब्जॉर्ब का मतलब आपको पता है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना. जैसे जो फॉर्म होता है वो पानी को सोख लेता है, या रुई पानी को सोख लेती है, उसी प्रकार से जो रूट्स हैं वो भी पानी को सोख लेती हैं. इसके साथ साथ जब वो पानी सोखती हैं तो पानी के साथ साथ क्या क्या होता है उनमें, उस पानी में मिनरल भी होता है. तो ये वाटर और मिनरल दोनों को एक साथ सोखती है फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से. तो इसका दूसरा काम हो गया पानी को सोखना और मिनरल्स को, मतलब खनिज पदार्थों को सोखना, मिट्टी से सोखना, ठीक है? अब आते हैं हाई ऑर्डर्ड थिंकिंग स्किल्स, मतलब होट्स. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे. इन क्वेश्चंस का यूज़ हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हम कितना उस टॉपिक के ऊपर उस सिचुएशन में सोच सकते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन होते हैं. जैसे हमें ये तो पता ही है कि मशरूम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, या हम कहें कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है, तो नॉन ग्रीन प्लांट होने से, या हम पूछें कि ये अपना खाना क्यों नहीं बना सकता है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि ये अपना खाना क्यों नहीं बना सकता है. वाइट या सफ़ेद रंग होने से
या नॉन ग्रीन होने से इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है कि वो अपना खाना नहीं बना पाए। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा, व्हाई कैन नॉन ग्रीन प्लांट लाइक मशरूम नॉट मेक इट्स फूड। व्हाई फिर से आ गया है, क्यों? कैन ए नॉन ग्रीन प्लांट, एक बिना रंग हरे रंग वाला पौधा जो हरा नहीं है वो पौधा, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक मतलब की तरह, मशरूम की तरह का कोई पौधा आप ले सकते हैं जो हरा नहीं है, नॉट मेक इट्स फूड, ये अपना खाना नहीं बना सकता है। तो ये क्या कारण है, क्यों नहीं बना सकता? तो आप इसमें लिखेंगे मशरूम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड या मेक इट्स फूड। और वाई का आंसर मैंने पहले बताया था, किस में देंगे? बिकॉज से। तो बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, क्या कारण है? इसका कारण ये है, इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए डू नॉट हैव कलर नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? तो वो क्लोरोफिल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फो खाना बनाने के लिए एक पौधे के द्वारा, वो क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, इसलिए मशरूम जैसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर अब हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वी थ्रो आउट सीड्स ऑफ मैनी फ्रूट्स आफ्टर ईटिंग देम। ये कंडीशन दी हुई है कि वी थ्रो आउट, हम बाहर फेंक देते हैं बीज, हमारे अंदर मुंह के अंदर भी रहते हैं, जब हम खाना जब कोई फल खाते हैं तो मुंह के अंदर बीज जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बीजों को फेंक देते हैं। ऑफ मैनी फ्रूट्स, ज़्यादातर फलों के जो बीज होते हैं वो हम फेंक देते हैं क्योंकि वो थोड़े सख्त होते हैं और खाने लायक नहीं होते हैं, तो हम उनको थूक देते हैं या फेंक देते हैं। आफ्टर ईटिंग देम, फलों को खाने के बाद, यहाँ पर देम का मतलब है फ्रूट्स, तो फलों को खाने के बाद उनके जो बीज हैं वो हम फेंक देते हैं, ये ज़्यादातर फलों में हम करते हैं। तो ये कह रहा है कि डू ऑल ऑफ देम ग्रो, क्या वो सभी के सभी जो बीज हमने फेंके हैं क्या वो ग्रो करते हैं? ऑल ऑफ देम, यहाँ पर ये देम है थोड़ा छुपा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये देम वर्ड है, मतलब उनमें से, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें सभी क्या ग्रो कर पाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है वो सभी के सभी ग्रो कर जाएं, लेकिन क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है उस चीज़ के लिए कि वो ग्रो करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर हम बताएंगे, क्या वो सभी ग्रो करेंगे? तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी ग्रो करें, वो सभी उग जाएं। हम बीज बोते हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें से उगते कुछ ही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो ये आगे समझाया हुआ है, ये कह रहा है कि ओनली दोज सीड्स विच गेट एयर, ओनली दोज सीड मतलब केवल वो बीज, दोज मतलब वो और बीज सीड हो गया, तो विच गेट एयर वाटर एंड सनलाइट, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जो बीज इन तीन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, विच गेट का मतलब जो प्राप्त कर लेता है हवा पानी और धूप या रोशनी, वही ग्रो करता है, ग्रो ठीक है, वही उगता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बीज के उगने के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी बताई मैंने? तो ये हैं एयर वाटर एंड सनलाइट। तो सभी के सभी बीज नहीं उग पाते हैं, जो बीज ये तीनों चीज़ें प्राप्त कर लेता है वो उग जाता है, और जो नहीं प्राप्त करता है वो नहीं उग पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर थे आपके, जिनको आपने लर्न करना है, और लर्न करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, आप इनको अपनी रफ नोटबुक के अंदर याद करके लिख कर देखेंगे, पहले याद करेंगे अच्छे से स्पेलिंग के साथ, और फिर उनको अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखेंगे, और फिर उसको क्रॉस चेक करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में आंसर से। तो इस तरह से आपको इनको रिवाइज करना है,
तो जो बच्चे घर पर हैं इसको थोड़ा सीरियस ले लें, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है, और जब वो आप क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रिवीजन वर्क है, आपने पहले हो सकता है थोड़ा बहुत कोई पार्ट आपका रह गया हो, तो आप उस से आगे एक रेगुलर वे में अपना काम शुरू कर दें, ताकि जब भी आप स्कूल में आएँ तो आपका काम पूरा मिले। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।